हिंदू मुस्लिम का गीत अलाप रहे हैं, इनकी रोटी हजम नहीं होती मुसलमानों के बिना। यदि ये मुसलमानों का नाम लेना बंद कर दें, पाकिस्तान का नाम लेना बंद कर दें, तो इनके लिए वोट ही नहीं आएगी। उसमें पता चलेगा जो पाखंडवाद की बात करेगा वो संवैधानिक पद पर बैठने लायक ही नहीं है। पूरा एकदम सोशल ऐसे फैला देना चाहिए कि जनता को एक एक बच्चे को पता चल जाए कि ये पाखंडवाद फैला रहे हैं, शिक्षा से दूर कर रहे हैं, सबके हक अधिकार मार रहे हैं, सबको ये धराशाई कर रहे हैं, एक एक को काटने का काम कर रहे हैं। अभी हमने दे दिया है, आने वाला वक्त इससे भी गया गुजरा होगा। तुम्हारी रोजी रोटी मुंह में से निवाले छीन लिए जाएंगे। ये लोग व्यापारियों की सरकार है, ये मनुवादी जो कहते हैं ना अपने आप में कि ऊंच नीच व्यवस्था बना के रखो, ये उनकी सरकार है। ये लोग दोबारा से अशिक्षित बना देना चाहते हैं, शिक्षा से दूर कर देना चाहते हैं, क्योंकि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वही दहाड़ेगा। तो इस दहाड़ को कम करने के लिए ये लोग अपना पूरा अशिक्षित बना देना चाहते हैं समाज को, कि वो अपने हक अधिकार के लिए कोई बोल ना सके। कह दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज कितनी बहन बेटियों के साथ में बलात्कार हो रहे, सामूहिक बलात्कार हो रहे, उसके यहाँ जाने को तैयार नहीं, मणिपुर में जाने को तैयार नहीं है। ऐसे कहते हो तो हम अपने समाज का अपने देश का विकास करेंगे, तुम विनाश करने पे बैठे हो। इस विनाशकारी बुद्धि को हटाना होगा जड़ से, तभी कुछ होगा। नमस्कार, मैं नूर झा और आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज्वार भवन में, हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं, उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। भाई देखिए, मोदी को टक्कर देने की नहीं, षड्यंत्रकारियों को टक्कर देने के लिए यहाँ जमा हुए हैं, क्योंकि सोशल जस्टिस जो है आज धराशायी हो गया है। न्याय तो नाम की कोई चीज़ या चिड़िया है ही नहीं हमारे देश में। न्याय की चिड़िया को पकड़ने के लिए, उसके पंख कब्जाने के लिए ये चुनाव है, और इसमें जो हमारी भोली भाला जनता है, एससी की, ओबीसी की, एसटी की, माइनॉरिटीज़ की, उनको ये लोग दोबारा से अशिक्षित बना देना चाहते हैं, शिक्षा से दूर कर देना चाहते हैं, क्योंकि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वही दहाड़ेगा। तो इस दहाड़ को कम करने के लिए ये लोग अपना पूरा अशिक्षित बना देना चाहते हैं समाज को, कि वो अपने हक अधिकार के लिए कोई बोल ना सके। तो इसीलिए ये लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का गीत अलाप रहे हैं, इनकी रोटी हजम नहीं होती मुसलमानों के बिना। यदि ये मुसलमानों का नाम लेना बंद कर दें, पाकिस्तान का नाम लेना बंद कर दें, तो इनके लिए वोट ही नहीं आएगी, ये इस देश से भाग जाएंगे। क्योंकि ये इसका नाम लेंगे तभी इनको ये लगता है कि हमारी वोट मिलेगी। किस तरह देखते हैं, जिस तरह से समाज में न्याय की बात आप कर रहे हैं जी, प्रधानमंत्री जो भाषण में आपने सुना अभियान के संपत्ति, यार प्रधानमंत्री होते तो वो एक ही पक्षीय या ऐसे ऐसे उलूल जुलूल फात करते। अरे प्राइम मिनिस्टर तो एक संवैधानिक पद होता है, धारा 51 आपने पढ़ा है, 51 एक पढ़ी अनुच्छेद, उसमें पता चलेगा जो पाखंडवाद की बात करेगा वो संवैधानिक पद पे बैठने लायक ही नहीं है। तो उसके लिए आप क्यों करते हो बातचीत? उसको तो पूरी जनता को, आपको, मीडिया को पूरा एकदम सोशल ऐसे फैला देना चाहिए कि जनता को एक एक बच्चे को पता चल जाए कि ये पाखंडवाद फैला रहे हैं, शिक्षा से दूर कर रहे हैं, सबके हक अधिकार मार रहे हैं, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटीज हो, सबको में लड़वाने का, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, डीएनए के भाई हैं, सबको ये धराशायी कर रहे हैं, एक एक को काटने का काम कर रहे हैं। सर, जमीन और मंगलसूत्र पे चलने की बात कर रहे हैं। अरे यार, मंगलसूत्र क्या होता है पहले तो यही बतलाइए। वो पाखंडवाद जो होता है उसी की निशानी है, महिलाओं को जो जबरदस्ती घोटने का। शिक्षा में तो ये चीजें है ही नहीं। शिक्षा की और विज्ञान की बात कीजिए तब बतलाइए। ये बहन बेटियों से पूछिए ये कैसी मेहनत करती है, उसके लिए कौन सा वो बोलता है, खाता है रोड पे? बस कह दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज कितनी बहन बेटियों के साथ में बलात्कार हो रहे, सामूहिक बलात्कार हो रहे, उसके यहाँ जाने को तैयार नहीं, मणिपुर में जाने को तैयार नहीं है। अभी यूपी में देखिए, बहन वाल्मीकि थी एक लड़की, उसके बिना माँ बाप की मर्जी के रातों रात के उसको जला दिया, कि उसके सबूत ही खत्म हो गए, उसके साथ बलात्कार नहीं महाबलात्कार हुए। कौन आवाज उठाएगा? संसद में महिलाओं को आरक्षण दिया है? कोई आरक्षण नहीं दिया है एससी एसटी ओबीसी महिलाओं को। आप आरक्षण कहाँ है? केवल जुमलेबाजी करने से आरक्षण नहीं मिल जाता, जो संवैधानिक हक है, अधिकार है, प्रतिनिधित्व तो चाहिए। ये आरक्षण बोलते हैं, क्यों आरक्षण बोलते हैं? सबका हक अधिकार है, ये होना चाहिए। अरे वो कहने से कुछ नहीं होता, लागू करने से होता है, लागू करने से होता है। सबका साथ सबका विनाश कर रहे हैं।
वे एक एक साथ में एक एक को काट देंगे, तुम्हारा विनाश कर देंगे। और कुछ नहीं है, जनता को समझने की और समझाने की जरूरत है। आज एससी को एसटी को दो वोट का अधिकार दो, फालतू बोलने से थोड़ा ही होता है। तुम्हारे हाथ आज सारे कुछ है ना, ये मोदी जी सब कुछ कर सकते हैं। दे दो एसटी को दो वोट का अधिकार, माइनॉरिटीज और जो आपका मुस्लिम समाज है, तुम कभी उसके पक्ष में भी बोलते हो, कभी उसके लिए कहते हो कि तीन तलाक बहन बेटियों के लिए बात करते हो। आप मुस्लिम समाज को पृथक निर्वाचक क्षेत्र क्यों नहीं घोषित करते हो? कितनी जनसंख्या है और इतने बड़े बड़े लोकसभा क्षेत्र बना दिए हैं, और आप दूसरी जगह जाओ वहाँ केवल 5 लाख पे एक सांसद बना है। अभी मेरठ में चले जाओ, बिजनौर में चले जाओ, 25-25 लाख वोटर्स पे एक सांसद है। क्यों भाई, क्यों दोगलापन कर रहे हो? वैसे कहते हो तो हम अपने समाज का, अपने देश का विकास करेंगे, तुम विनाश करने पे बैठे हो। इस विनाशकारी बुद्धि को हटाना होगा जड़ से, तभी कुछ होगा। अभी तो कह रहे 10 साल में जो काम किया वो ट्रेलर है। अरे ट्रेलर वो यही है कि बहन बेटियों को गोधरा कांड में जो एक बिल्किस बहन होती है उसके साथ में कैसे कैसे रेप हुए, और अभी तुम्हें 10 साल में अभी भी नहीं दिखाई दे रहा मणिपुर का भी। तो ये ठीक कह रहे हैं, तुम समझते क्यों नहीं हो? जनता नहीं समझ रही है कि बेटियों को बचाने का तुम्हारे पास में देख लो, अभी हमने ट्रेलर दे दिया है, आने वाला वक्त इससे भी गया गुजरा होगा। तुम्हारी रोजी रोटी मुंह में से निवाले छीन लिए जाएंगे। ये लोग व्यापारियों की सरकार है, ये मनुवादी जो कहते हैं ना अपने आप में कि ऊंच नीच व्यवस्था बना के रखो, ये उनकी सरकार है, ये मानवता को बराबर नहीं रखती है। अरे गरीबों की सरकार है तो पूरी ओबीसी की जनगणना क्यों नहीं करा रहे हो? पूरे देश की क्यों नहीं करा रहे हो? एससी की क्यों नहीं करा रहे? ओबीसी क्यों नहीं करा? आज एसटी का तो तुमने राष्ट्रपति बना दिया और वो बेचारी खड़ी रहती है और आप बैठ जाते हो। तुम कौन से महिलाओं का सम्मान कर रहे हो जरा बतलाइए, बताओ ना। आप ही पूछ क्यों नहीं पूछते हो आप जा करके वहाँ पे, कैसी पत्रकारिता कर रहे हो झूठी? आपको वहाँ जाना चाहिए जाके। अरे भाई प्रधानमंत्री है, चलो वो किससे है? ईवीएम के घोटाले से। अब जब ईवीएम के घोटाले को पब्लिक मना कर रही है, नकार रही है, उस नकारने को जनता की बातों को क्यों नहीं कबूल कर रहे हो? जनता जनार्दन होती है, तुम उसके गुलाम हो, नौकर हो, प्राइम मिनिस्टर हो या राष्ट्रपति हो या शासन में प्रशासन में बैठा कोई अधिकारी हो, चाहे पुलिस कर्मचारी हो, वो जनता के सब नौकर हैं। जनता ही यहाँ की शासक है, ये ध्यान रखे। जनता अपने मनोबल को ना गिराए, जनता को ये मनोबल गिराने का काम कर रहे हैं, और जनता अपने अपने हक अधिकार को समझ ले। मैं बता रहा हूँ राजुद्दीन रात, अरे भाई देखिए, जनता को बुद्धू बना करके पूरे समाज को ये गुमराह करते हैं। उस गुमराहियत से निकालने के लिए, उनके हक अधिकार के लिए हम लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। में सूरत में कमल खिल चुका है। अरे मैडम जी खिल नहीं गया वो, सूरत जो है वो व्यापारियों की सूरत का देश है, वहाँ पैसा चलता है, वहाँ दादागिरी चलती है, और जो समानता की बात करता है उसे जो है लठों से, बमबारियों से, पिस्टलों से भून दिया जाता है। आप क्यों नहीं समझते हो भाई? मीडिया वाले जो हैं, पत्रकार बंधु जो हैं, वो ही इस देश का चौथा स्तंभ होते हैं, और चौथा स्तंभ ही माए अच्छे से काम करे। आज बहुजनों के कितने चैनल बंद कर दिए गए पता है आप लोगों को? बहुजनों के चैनल बंद कर दिए कि बहुजन समाज की बात समाज तक ना पहुँचे, क्योंकि इन्होंने जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर कब्जा किया हुआ है, उसको कैप्चर कर रखा है। जो इनकी भाषा बोलेंगे वो तो यही दिखाएंगे। तो जो बहुजन हैं आप लोग, जनता की आवाज़ उठा रहे हो, जनता तक पहुंचा रहे हो, तो आप लोगों को मैं सैल्यूट करता हूं, और आप लोगों के तन मन धन से हम लोग हर तरह से तैयार रहेंगे, क्योंकि हम लोग बहुजन समाज को ऐसे मिरता पिटता गिरता नहीं देख पाएंगे। हम इनकी तरह नहीं हैं कि कह दिया और उनके साथ नहीं खड़े हैं। आज जो है अभी ये देख लो, मोदी योगी की कौन सी डबल सरकार बता रहे हो? उसी योगी के राज में बहुजन समाज के जो मीडिया थी उनको कैप्चर करके 18-18 दिन 20-20 दिन जेलों में रहना पड़ा है। पता है किसी की आवाज़ नहीं उठने दी, किसी की आवाज़ नहीं पता होने दी है। तो इसीलिए आप लोग जो बहुजन की बात करता है, अम्बेडकरवाद की बात करता है, हम लोग उसको साथ देना चाहिए और उसी को वोट देना चाहिए। ये झूठे अम्बेडकरवादियों को कभी वोट मत दो।
क्योंकि जो बीजेपी से भाई बहुजनों का अपना आप पे को सूरमा भी बतला दे उसको भी वोट मत करो, क्योंकि वो भी उसी के पक्ष में बैठ जाता है। भाई सटोरियों जो सटोरी होते हैं, दारूबाज होते हैं, उनके पास जो बैठेगा वो वही कहलाएगा। तो इसीलिए मैं अपने समाज को, बहुसंख्यक समाज को कह देना चाहता हूँ कि इस आतंकवादी बुद्धि ब्राह्मणवादी या ऊंच-नीचवादी या इस देश का षड्यंत्रकारी, इस देश को कैप्चर करने वाला जो अंग्रेजों से भी बदतर है, अंग्रेजों ने तो कम से कम शिक्षा को उभारने का काम किया, लोगों में समानता का काम किया, बहन बेटियों को इज्जत बचाने का साथ दिया, लेकिन ये सरकार तो उससे भी निकम्मी है। इस निकम्मी सरकार को बदलने के लिए आम जनता को खड़ा होना पड़ेगा, अपने हक अधिकार के लिए मुस्लिम समाज को पृथक निर्वाचक क्षेत्र चाहिए और होना चाहिए, आप लोग भी बतलाइए होना चाहिए नहीं। तो इसीलिए जो एससी है एसटी है उसको 2 वोट का अधिकार होना चाहिए, होना चाहिए। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब जो पूरी ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा सिंबल ऑफ नॉलेज नंबर 1 का बंदा है और उसकी भी बातों को नकारते हो, जब जरूरत होती है जय 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 भीम कर देते हो और जो भीमवादी लोग हैं उनके ऊपर लट बरसाते हो, आंसू गैस के गोले छोड़ते हो। अरे मेरी टांग का ही जो है पूरा पसिंगर निकल गया लट खा खा करके। इन लोगों ने ज़िंदगी झंड कर दी है, इस ज़िंदगी को बचाना है लोगों की, इसीलिए हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं। आप लोग हमारा साथ सहयोग दीजिए और आज जो इंडिया का गठबंधन बना है उसमें सब लोगों को हिस्सेदारी के लिए राहुल जी को भी ये रहना चाहिए कि जो हक अधिकार हैं प्रतिनिधित्व सबको मिलेगा, प्रतिनिधित्व की लड़ाई होनी चाहिए। जय भारत जय संविधान। तो सुना आप लोगों ने इनका कहना है कि जो सरकार है अंग्रेजों से भी बदतर सरकार है, साथ ही साथ ये भी बोल रहे हैं कि एससी एसटी को 2 वोट देने का अधिकार देना चाहिए। तो इस पे आपका कहना है कि एससी एसटी को 2 वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए या नहीं? वीडियो जो आपको पूरी बातचीत पे अपने राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।